सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के चाहे लाख दावे करे, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत सरकार के दावों की पोल खोलती नजर आती है। गाजीपुर के मरदह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली की तस्वीरें आम आदमी को मुंह चिढ़ाती नजर आती हैं। देखिए गाजीपुर से हमारे संवाददाता शशिकांत तिवारी की ये खास रिपोर्ट। शासन द्वारा आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना जनता के मौलिक अधिकारों में शामिल है। प्रदेश सरकार द्वारा भी उच्च स्तरीय सुविधाओं का दावा किया जाता है, लेकिन गाजीपुर के मरदहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ये जर्जर हालत कुछ और ही बयां करती नजर आती है। यहां आने वाले मरीजों के साथ स्वास्थ्य कर्मी भी परेशान हैं। आवासों पर डाली गई पॉलीथिन, बरसातों में छतों से टपकता पानी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है। अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने को मजबूर इन कर्मियों का दर्द जायज है। आप यहाँ पे बिल्डिंग में कैसे रहती हैं? किस पद पे हैं यहाँ पे? 102 एम्बुलेंस एमटी के पद पर है सर। अच्छा, आप लोग जिस भवन में रहती हैं, ये भवन पूरा टूटा हुआ है, पानी छू रहा है, बगल में पानी लगा है, डर नहीं लगता? क्यों नहीं सर, बहुत डर लग रहा है। क्या परेशानियाँ होती हैं यहाँ पर? बारिश वरिश होता है तो पानी चूने लगता है छत से, और लाइटिंग वाइटिंग भी करने के लिए सुविधा नहीं असुविधा है। तो लाइटिंग के लिए आप लोग शौचालय के लिए कहाँ जाती हैं सर? कहीं बाहर नहीं जाने का मौका मिलता है, फिर यही है तो इसी में अपना गंदगी पे गंदगी किए चले जाते हैं। क्या कोई करेगा, कहाँ जाएगा? तो एक कहीं में रहना, एक कहीं में शौच करना बहुत गंदा है सर। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानती हैं सर? सरकार को मानेंगे सर। अभी अस्पताल डॉक्टर लोगों से, सीनियर डॉक्टरों से आपने शिकायत नहीं किया सर? बहुत किया। तो क्या कहें लोग? बन रहा है। मरदहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी में बरसात के दिनों में जल भराव होने की दिशा में मरीजों के भर्ती करने से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को इलाज करने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, यहां तक पहुंचने का रास्ता भी बेहद खराब है। पूरा रास्ता कच्चा होने के साथ साथ कीचड़ और गंदे पानी से अटा पड़ा है। इन हालातों में बेहतर स्वास्थ्य की परिकल्पना करना बेईमानी ही होगा। सवाल ये उठता है कि जनता के वोट से कुर्सी पाने वाले क्षेत्रीय विधायकों को जीतने के बाद जनता की सुध क्यों नहीं आती? करीब 40 वर्ष पूर्व बने इस स्वास्थ्य केंद्र में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास भी बनाए गए थे, जो अब जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य केंद्र और आवासों की दयनीय हालत, दीवारों से गिरता प्लास्टर हादसों को दावत दे रहा है। आलम यह है कि चिकित्सा अधिकारी भी छतों पर प्लास्टिक डालकर रहने को मजबूर है। यहां के हालातों पर जब स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सरफराज से बात की गई, तो उन्होंने समस्या को जायज बताते हुए अपनी बात रखी। जर्जर है, बहुत ज़माने का बना हुआ है, 30-40 साल का बना हुआ है, जब से है वैसे ही है। ये ऊपर से सारी छतें टपकती हैं पानी से, पूरा पानी भर जाता है, इस वजह से ऊपर लोग प्लास्टिक डाल के रह रहे हैं कि अपने बचाव हो सके बारिश से। और जितनी भी ये सड़कें हैं, ये चूँकि नया CSC बनना है तो बालू है, गिट्टी है, सब कुछ आ रहा है ट्रक से। ट्रक जो है उसकी वजह से, लोड की वजह से सारी सड़कें खराब है, गड्ढा हो गए हैं, उसमें जल जमाव हो जा रहे हैं। विकट परिस्थितियों में संचालित इस स्वास्थ्य केंद्र की माली हालत का जिक्र करते हुए प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सरफराज आलम का कहना है कि यहां इन्हीं हालातों में इलाज किया जाता है। CHC का निर्माण हुआ है, हैंडओवर होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। ऐसे में अभी बताया जा रहा है कि कभी कभी बारिश जब ज्यादा होती है तो PSC में या वार्डों में भी पानी जब जमा हो जाता है, तब क्या स्थिति होती है, कैसे आप लोग इलाज करते हैं? उसी में इलाज करते हैं, उसी में बैठ के इलाज करते हैं। तो इसके लिए कभी आप लोगों ने अपनी समस्या को लेकर? हाँ, समस्या से अवगत हैं लोग, इसीलिए CSC भी तैयार हो रही है, बस हैंडओवर जब हो जाए उसी का इंतजार है। CHC के निर्माण और उसके हैंडओवर की बात कर रहे प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक भी यहां की दिक्कतों से दो चार हैं।
वहीं सीएचसी को सौंपने में आखिर देर क्यों हो रही है? क्या जिला प्रशासन अभी भी किसी हादसे के इंतजार में है? इसी को लेकर लोगों की जान बचाने वाले स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारियों और आशा कार्यकर्त्रियों से संवाददाता शशिकांत तिवारी ने खास बातचीत की। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि अस्पतालों में मरीजों का इलाज होता है, जहां से मरीज ठीक होकर जाते हैं, लेकिन गाजीपुर के मर्दा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक सबसे जिले का बीमारू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। बीमारू इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ की बदहाली देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि यह अस्पताल इस कदर बीमार है कि यहाँ पे परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। जैसे कि चाहे सड़क हो, चाहे यहाँ की बिल्डिंगें हो, काफ़ी जर्जर हो चुकी हैं। यहाँ के नर्स स्टाफ जान जोखिम में डालकर इस भवन में रहते हैं। यहाँ पे किन किन परेशानियों से लोगों को गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी परेशानियाँ होती हैं, क्यों यह स्वास्थ्य विभाग अस्पताल बीमार है, इन लोगों से जानते हैं और प्रयास करते हैं कि व्यवस्था को कैसे बदला जा सकता है या फिर कैसे पटरी पर लाया जा सकता है। जिस अस्पताल में आप मौजूद हैं, यहाँ पे मरीजों का इलाज होता है, लेकिन अस्पताल को देखने से लगता है कि यह सबसे बीमारू अस्पताल है, खुद बीमार है, क्या बताएंगे? इस समय बरसात हुआ है, बरसात की वजह से पानी जल जमाव हो गया है, थोड़ा सुधार भी चाहिए जिससे बेहतर व्यवस्था हो सके। आप लोग इस अस्पताल में रहते हैं या जर्जर बिल्डिंग में रहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि छतों के बजाय आप ऊपर से छत के ऊपर बचने के लिए प्लास्टिक से उसको ढके हुए हैं, क्यों ऐसा कैसे स्थिति हुई? बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो गई ना, इसलिए जो है पानी टपकता रहता है, तो इसलिए जाहिर सी बात है अपने बचने के लिए करना ही पड़ता है। अभी कितने दिनों से आप लोग इसमें रह रहे हैं? हो गया यहाँ पे 4 साल रहते हुए हो गया है। किसी से आपने अवगत नहीं करा? अपने जो है इंचार्ज से बताया जाता है सर यहाँ पे ये समस्याएं हैं, और खासकर सड़क की जो समस्या है, ये सब तो प्रशासन वाले आए भी थे, इसको जो है देख के गए हैं, निरीक्षण हुआ है, आश्वासन मिला है कि इसको जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। ये नहीं लगता कि आप जिस बिल्डिंग में जर्जर भवन में परिवार लेकर रहते हैं, जान हथेली पे रहता है, कभी डर लगता है कि बिल्डिंग धस नीचे गिर सकता है, परिवार दब सकता है? बिल्कुल, बरसात के दिनों में तो काफ़ी डर लगता है, क्योंकि काफ़ी छत जो है टपकता ही है, लगभग सारे रूम इस स्थिति में पहुँच गए। अभी इस अस्पताल के बारे में क्या आप बताएंगे? वडवा है सर, बस इसी विषय में बता रहे हैं कि बहुत जंजर हो गया, किसी समय भस सकता है, ये धस सकता है। हमारी बिल्डिंग जाके देख लीजिए सर, चलिए अंदर देख लीजिए। आप इसी में रहते हैं? हाँ सर। कितने दिनों से? 7 बरसों से। ऊपर छत है या प्लास्टिक? यही तो प्लास्टिक डाले हुए हम लोग, बस वही तो है सर। अब यहाँ पे इस अस्पताल की आशा और NM हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं, क्योंकि एक खुद महिला है और अस्पताल में गर्भवती महिलाएं भी आती है, इनके ऊपर गांव-गांव को स्वच्छ रखना, संचारी रोग नियंत्रण करने की जिम्मेदारी दी गई है, इन लोगों को किस प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ती है, खुद हम इन लोगों से जानते हैं। आप किस पद पे हैं? आशा किरण। किस गांव का? जागोपुर मर्दा में। आप एक महिला हैं और गांव-गांव संचारी रोग नियंत्रण तमाम रोगों के बारे में जानकारियां देती हैं, और जिस अस्पताल में आप मौजूद हैं, यह अस्पताल खुद बीमार लग रहा है, क्या बताएंगे? सर क्या बताएंगे, पहले तो सब लोग कहेंगे कि अपना ही देखिए PSC कैसा है, तो हम क्या जवाब देंगे? फील्ड के लोगों को हम क्या जवाब देंगे कि आप सफाई से रहिए, साफ सुथरा रखिए अपना, और बारिश का पानी इकट्ठा मत करिए, क्योंकि हमारे PSC पर ही इतना सारा गंदगी है। इसका जिम्मेदार किसको मानती हैं? सर शासन को मानते हैं। आप एक खुद महिला हैं और इस अस्पताल में गर्भवती महिलाएं भी आती हैं, जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्या नहीं लगता है कि गर्भवती महिलाओं के लिए सड़क घातक है? जी आप तो देख ही रहे हैं सर, क्या करें हम लोग, तो इसके लिए आप क्या कहेंगी, सरकारी तंत्र बेकार है? तो क्या करें सर, हम लोग तो कैसे कैसे अपने आते जाते हैं। जिला अस्पताल जो खुद मरीजों का इलाज करता है, इतना व्यापक मात्रा में बीमारू लग रहा है, क्या बताएंगे? सर बीमारू तो लग ही रहा है, लेकिन आशा संगनी सारे लोग बीमार चल रहे हैं इस समय सर। पानी पीने का भी साधन नहीं है यहाँ पर, और कहाँ से हम लोग बताएं? अच्छा, इस अस्पताल में पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था नहीं है सर। और क्या क्या ऐसा है जो? और जो है कि आशा और आशा संगनी ये भी नहीं है कि वो कहीं बैठ लें, जो है कि कहीं पर बैठकर अपना रिपोर्ट बना लें, रिपोर्ट ले लें, या चाहे डिलीवरी लेकर आ रही है आशा,
तो ना रात का रहने के लिए है यहाँ पर व्यवस्था और ना दिन में रहने के लिए व्यवस्था है। पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, प्यास लग गई है तो हम लोग पानी भी नहीं पी सकते। शौचालय की क्या स्थिति? शौचालय भी नहीं है सर, कुछ नहीं है। शौचालय भी नहीं है तो ऐसे में आप लोग शौच के लिए कहाँ जाती है? बाहर जाते हैं लोग, यानी कि अस्पताल परिसर में भी बाहर जाना पड़ता है। यही बताएंगे सर, बहुत गंदगी यहाँ पर, हम लोग को रहना मुश्किल हो जाता है। रात में भी जब भी आते हैं तभी पानी की ना व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है। और अगर अभी बाथरूम में लाइटिंग लगे तो कोई व्यवस्था नहीं, हम लोग जाके कर लें। सर हम जब डिलीवरी लेकर आते हैं रात में तो जाहिर सी बात है कि वक्त लगता है डिलीवरी में। हाँ? तो मैं मोर्टिन लेकर आती हूँ। अच्छा, घर से मोर्टिन भी लेकर आती हैं? हाँ, कि ताकि भाई मरीज हमारे साथ है, गर्भवती है, अभी हुआ नहीं है डिलीवरी, वक्त है उसमें होने में, तो हमको रात भर रहना पड़ता है तो मच्छर इतना ज़्यादा रहते हैं सब, और टॉर्च की भी व्यवस्था करते हैं। डेंगू का भी खतरा बढ़ता होगा? जी सर। यहाँ की आशा महिलाएं हैं एनएम है, और इन लोगों की पीड़ा आपने सुन लिया। इन लोगों का कहना है कि यह अस्पताल इस कदर बीमारू है कि जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का तो असुविधा है ही, बदहाली है ही, इसके साथ साथ यहाँ की सड़कें, जल जमाव, गंदगी, यहाँ तक कि इस अस्पताल परिसर में पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था न होना, बिल्डिंग जर्जर होना, जिसमें यहाँ के स्टाफ और नर्स अपने जान को जोखिम में डालकर परिजनों को, बच्चों को लेकर इसमें अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे एक ऐसी भी तस्वीर है जो छत है उसके बावजूद भी लोग प्लास्टिक से ढक कर अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए इससे बड़ा बदहाली पूरे प्रदेश में शर्म की बात है कि इस तरह की व्यवस्थाएँ हैं और सरकारी तंत्र पर सवाल खड़ा करता है। इसके लिए हम जिम्मेदार अधिकारियों से भी पूछेंगे, जनप्रतिनिधि से भी पूछेंगे कि आखिर इस अस्पताल के बदहाली का जिम्मेदार कौन है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी, पब्लिक न्यूज़।